हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ अभिषेक तिवारी हियर। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ द वेरी सिक्स्थ वीडियो ऑफ द फिफ्थ वीडियो ऑफ योर ज्योग्राफी चैप्टर 4 ऑफ क्लाइमेट। हियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ऑनसेट ऑफ द इंडियन मॉनसून। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द onset of the Indian monsoon. Okay, onset and the withdrawal of the onset. If you talk about onset, so onset means arrival of the monsoon and the withdrawal of the monsoon. These both two things we have just to start here. इन्हें हमें यहाँ स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबके बीच में अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं द ऑनसेट ऑफ द इंडियन मॉनसून एंड इट्स विदड्रॉल। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। कोशिश होगी कि ये जल्दी से इसको कवर किया जाए और फिर आगे के लेक्चर्स में आपको आगे के वीडियोज़ जो है आगे के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और ऑनसेट ऑफ द इंडियन मॉनसून को स्टडी करते हैं। सो द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टीडी विंड्स। जो मॉनसून विंड्स होती हैं ट्रेड विंड्स की तरह, ट्रेड विंड्स क्या होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड हैं उनके बीच में चलने वाली विंड्स को ट्रेड विंड्स कहते हैं। उनका असर जो है 10 डिग्री तक दोनों तरफ रहता है। ठीक है, तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं इनका अपना एक रूट होता है, स्टीडी रूट होता है, फिक्स रूट होता है। इनकी तरह मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो इनकी तरह नहीं होती हैं। ओके, बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। लेकिन ये क्या होते हैं, ये पल्सेटिंग होते हैं नेचर में, मतलब कि ये थोड़े से बढ़ते घटते रहते हैं। अफेक्टेड बाई डिफरेंट एटमोसफेरिक कंडीशंस, जो अलग अलग एटमोसफेरिक कंडीशंस होती है उसमें इनका प्रभाव, इनका इन्फ्लुएंस अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, इनकाउंटर्ड बाई एट, जिसका सामना ये होता है जिस तरह के एटमोसफियर से उसी तरीके का इसका जो है नेचर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। सो ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, जब ये वार्म ट्रॉपिकल सीज़ के ऊपर से चलती है तो इसमें पल्सेटिंग नेचर इसके अंदर आता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तूफान और बारिश की तरह ये सामने आता है। सो ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून, जो मॉनसून का ड्यूरेशन होता है वो हमारे यहाँ लगभग 100 से 120 दिनों का या इसके आसपास होता है। जून टू मिड सेप्टेम्बर, जो इसकी स्ट्रेंथ लेंथ मानी जाती है, टेन्योर माना जाता है, वो जून की स्टार्टिंग 1 जून से लेकर मिड सेप्टेम्बर के अराउंड माना जाता है। ठीक है, द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, मतलब इसकी अराइवल से लेकर के जो इसका टाइम होता है ना वहाँ तक जो है अराइवल तक अपने, ठीक है, से लेकर के नॉर्मल जो रेनफॉल होती है यहाँ पे इंक्रीज सडनली, वो अचानक से बढ़ जाती है और कंटिन्यूज़ हो जाती है, कॉन्स्टेंटली कई दिनों तक बारिश होने लगती है। तो इस तरह का ऑनसेट होता है मॉनसून का। इस चीज़ को जब ये अचानक से बारिश की शुरुआत होती है और लंबे 5-6 दिनों तक बारिश बंद ही नहीं होती है, बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है तो और आसपास के जो भी नदी नाले होते हैं सब भरने लगते हैं, तो उसको बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। बर्स्ट ऑफ मॉनसून कि मॉनसून का बर्स्टिंग कहते हैं उसको। ठीक है, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर्स, और इनको समझा या पहचाना जा सकता है प्री मॉनसून शावर्स से। ठीक है, मतलब कि ये प्री मॉनसून शावर की तरह, मतलब मॉनसून के पहले की बौछार की तरह ये पहचाने जाते हैं इस तरह की बारिश। द मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, जो इंडियन पेनिनसुला है उसका सदर्न टिप। ठीक है, तो अब देखिए सदर्न टिप, जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ये सदर्न टिप, यहाँ पे मॉनसून सबसे पहले आता है। ठीक है, अराइव्स एट द टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, जून के फर्स्ट वीक में, मतलब 1 जून के आसपास जो है यहाँ पे इस तरह की मॉनसून विंड्स देखने को मिलती है। ठीक है, 1 जून या जून 1st, 2nd, 3rd, 4th तक ये यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू द अरेबियन सी। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसीड होता है और दो भागों में बढ़ जाता है अरेबियन सी से। ठीक है,
द अरेबियन सी ब्रांच, जिसको हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, आगे बढ़ करके यही चीज़ जो है वो अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। जो अरेबियन सी ब्रांच होता है इट रीचेस मुंबई आफ्टर 10 डेज। ओके, ये मुंबई जो है सबसे पहले जहाँ टच करता है उसके पहुँचने से 10 दिन के बाद 10 जून को ना, मतलब केरला में टच करता है, उसके 10 दिनों के बाद ये मुंबई पहुंच जाता है मॉनसून। दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस, ये बहुत वास्तव में बहुत ही तेज़ एडवांसमेंट होती है मॉनसून विंड्स की। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है ऑल्सो एडवांस रैपिडली, वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और जून के फर्स्ट वीक में वो आसाम को टच कर जाती है। ठीक है, आप जब मेरा लेक्चर देखा करें तो अगर आपके पास एक एटलस अवेलेबल हो, इंडिया का एटलस, इंडिया का मैप अवेलेबल हो, तो आप उस मैप को रख के बैठिए, क्योंकि बहुत से टर्म्स मैं बोलूँगा और अक्सर आप जो है उन चीज़ों को, जब आपके पास मैप होगा तो आप उनको लोकेट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से आसाम में टकराता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सो द लॉफ्टी माउंटेंस कॉजेस द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द वेस्ट, और जो बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेंस होते हैं वहाँ से टकराने के बाद विंड का रिफ्लेक्शन हो जाता है वहाँ से, और जो विंड ईस्ट की ओर जा रही होती है वो वेस्ट की ओर, मतलब ऐसे ना विंड आती हैं, टकराती हैं, इधर से टकराने के बाद फिर ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ये इस तरह का मोमेंट होता है। सो ओवर द गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स के ऊपर जो है पश्चिम की तरफ वहाँ आसाम से मुड़ जाती है ये विंड्स जो है। मिड जून तक अरेबियन सी की जो ब्रांच होती है मॉनसून की अराइव ओवर सौराष्ट्र कच्छ, तो जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला गुजरात का ये एरिया है जब यहाँ पहुँच जाता है एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के सेंट्रल पार्ट तक मिड जून तक मॉनसून पहुँच जाता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस होती हैं मॉनसून की, ये एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होती है वहाँ पे ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, दोनों ही अरेबियन और बे ऑफ बंगाल की जो मॉनसून होते हैं मॉनसून विंड्स। दिल्ली जनरली रिसीव द मॉनसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। दिल्ली जो होता है वहाँ पे मॉनसून की जो बारिश होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होती है, और यहाँ मॉनसून की शुरुआत जून के लास्ट तक होती है, जो कि टेंटेटिव डेट्स 29 ऑफ जून लगभग होती है, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और जुलाई के फर्स्ट वीक से जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ईस्टर्न राजस्थान है, एक्सपीरियंस मॉनसून, यहाँ पे भी मॉनसून की दस्तक आ जाती है, यहाँ पे भी मॉनसून से बारिश शुरू हो जाती है। ओके, बाय द मिड ऑफ जुलाई द मॉनसून रिचेस हिमाचल प्रदेश, मॉनसून हिमाचल प्रदेश पहुँच जाता है एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और उसके बाद से पूरे देश के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून जुलाई लास्ट तक होते होते पूरा पहुँच जाता है। सो द विड्रॉल और द रिट्रीट, जब हम बात करते हैं विड्रॉल की, स्टूडेंट्स विड्रॉल का मतलब यहाँ पे विड्रॉल या रिट्रीट उसको कहते हैं, वापस लौटना होता है मॉनसून का। ठीक है, तो ये जो मॉनसून का रिट्रीट होता है इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये और ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में स्टार्ट होता है इंडिया के बाई अर्ली सेप्टेम्बर, शुरुआती सेप्टेम्बर में, बाई द मिड अक्टूबर और मिड अक्टूबर में इट विड्रॉस कम्प्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और इसके बाद ये कम्प्लीटली मिड अक्टूबर तक ये कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाता है नॉर्थ नदर्न हाफ से, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिस्से से साउथ की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, पेनिनसुला की तरफ, द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, जो विड्रॉल होता है सदर्न हाफ से, ठीक है, पेनिनसुला मतलब कि जो डेक्कन प्लेटू के दक्षिण की तरफ, इस फेयरली रैपिड, वहाँ से भी विड्रॉल बहुत तेज़ी से होता है बाय द अर्ली दिसंबर, और दिसंबर के जो है शुरुआत तक मॉनसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के बाकी हिस्सों से भी मॉनसून लौट करके फिर से वापस चला जाता है, मतलब फिर दिसंबर के लास्ट तक जो सबसे लास्ट मॉनसून हमारे यहाँ होता है वापस विड्रॉ में, रिट्रीटिंग में, वो तमिलनाडु में जाता है, तो तमिलनाडु से भी मॉनसून फाइनली ख़त्म हो जाता है दिसंबर होते होते। ओके, सो
इस तरह से देखने को मिलता है. सो द आइलैंड रिसीव्स द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स. जो पहला मानसून शावर होता है वो आइलैंड्स को देखने को मिलता है. प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर प्रोग्रेस करता है. फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लास्ट वीक तक, टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे, और मे के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, वहाँ पे मानसून की दस्तक हो जाती है, जो हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं. द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. जो विड्रॉल होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है. फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब कि कम्प्लीटली इंडिया से बाहर हो जाता है. एंड द फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये इंडिया के जो इंडिया वाला एरिया है वहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाता है. बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून. और इस समय तक जो मानसून होता है, ठीक है, ऑलरेडी इंडिया जो है वो इंडिया विंटर मानसूनस के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आ जाता है. तो ये ओवरऑल स्टूडेंट्स हो गया आपका मानसून का अराइवल एंड विड्रॉल फ्रॉम द इंडिया. इंडिया से मानसून का अराइवल और विड्रॉल को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया. तो ये उसकी पूरी मैकेनिज्म है. एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कोल्ड वेदर सीज़न विंटर और हॉट वेदर सीज़न समर दोनों को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो वो अगले लेक्चर में प्रोबेबली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. सो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. ये वीडियो आपको कैसा लगा, डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगा, आई एम एगर टू नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इस वीडियो ने आपकी क्वेरीज़ को शांत किया, आपकी क्वेरी सेटिएट किया, जो इंडियन मॉनसून के ऑनसेट और विड्रॉल से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. तो बस इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें. और इसके साथ साथ बच्चों लाइक कमेंट शेयर ये सब करना भी ना भूलें. ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.